ให้มีละนำให้อ้าวนี่อาจมีมีชอตที่แบนเนสวีตี้อาจแม่แอปก็สตอรี่สุนางกีเอกแรบิทกีและเอกฟ็อกซ์กีเชลีย์สรุปกันเอกบาร์กีบาร์เอเอกฟ็อกซ์เรตต์ท์และเอกแรบิทเรตต์ที่ทั้งสองเบสท์เฟรนด์ส์ที่एक दिन उनको खीर खाने का मन हुआ तो फॉक्स बहुत इंटेलिजेंट था थोड़ा चालाक भी था तो उसने सोच कहा रैबिट से कि तुम ले जाओ वहाँ पे ले जाओ रोड पे तो जो भी आएगा दूध वाला या राइस वाला वो तो मैं ले के जाने का सोच रहा होगा तो मैं जल्दी से सामान ले लूँगा थोड़ा थोड़ा फिर वो ऐसे ही कर रहे थे तो ना एक दूध वाला आया उसने फिर दूध वाले से पकड़ रहा था उसने एक ले लिया फिर वो उठ के भागने लग गया फिर भी वो उसके पीछे पड़ गया फिर जब वो पकड़ नहीं पाया फिर उसने हार मान ली ऐसे ही करके बहुत सारे लोगों ने जाए जब उसने दूध ले लिया होता वो भाग जाता तो फिर वो हार मान लेते ना पॉट भी ले लिया बर्तन ले लिए फिर उससे आग जलाई फिर उनने खीर बनाई फिर फॉक्स को ज़्यादा खानी थी खीर तो उन्होंने सोचा नहा के चलो खाते हैं तो जिनने खीर बनी थी उसे कम खाना था उसे भी खाना था रैबिट को तो ज़्यादा नहीं खानी थी लेकिन तो उस फॉक्स ने कहा चलो ना खाते हैं फिर खाते फिर मज़ा आएगा तो फिर ना गए तो फिर गए नदी के पास पहुँचे फॉक्स ने कहा कि ना मैं जा रहा हूँ हम ना जो पानी के अंदर बहुत देर तक रहेगा वो ज़्यादा खीर खाएगा तो रैबिट और फॉक्स बहुत देर तक पानी के अंदर रहे जब रैबिट था पानी के अंदर तो फॉक्स जल्दी से निकल के चला गया और खीर खा ली पूरी उसने फिर वो वापस करने लगी फिर जब वो अंदर था वहाँ से आके अंदर तो फिर उसने रैबिट ने कहा वो अंदर चला गया था फिर रैबिट को जिससे लगे कि वो अंदर ही था फिर रैबिट जब निकला उसने कहा ठीक है तुम ही ज़्यादा खीर खा लेना तो फिर जब वो निकले और गया तो देखा पूरे पॉट ही खा लेता उसने कहा तुमने पूरी खा ली ऐसे ऐसे लड़ाई होती गई फिर ना उनने वो एक दूसरे से इकट्ठी हो गए फिर कुछ एक हफ्ते बाद नहीं कुछ दिन बाद उसने उनको तेल के लड्डू खाने का मन हुआ तो वो एक फार्मर के पास गए जो तेल के प्लांट्स लगा रहा था उसने कहा तुम बहुत अच्छे हो तुम्हारे बच्चे भी बहुत अच्छे तुम बहुत अच्छे काम करते हो ऐसे कर कहा उसने उस रैबिट ने तो फिर बाद फिर वो गया गुड़ वाले के पास गुड़ ले उसने ना बहुत सारा उसे खेल दे दिया फिर वो गया एक गुड़ वाले के पास तो गुड़ वाले ने उसने सेम कहा तुम बहुत अच्छे हो तुम्हारे बच्चे भी अच्छे तुम बहुत अच्छा काम करते हो तो फिर उसने बहुत सारा गुड़ दे दिया जितना तेल था उन्हें गुड़ दे दिया उसने बराबर फिर वो गया एक आंटी के पास उसने सेम कहा तुम बहुत अच्छे हो तुम्हारे बच्चे भी अच्छे हैं तुम बहुत अच्छा काम करती हो फिर ना उसने कहा कि क्या हुआ क्या चाहिए उनका मेरे लिए
लड्डू बना दोगी तिल के? तो उसने बनाए और दे दिए। फिर वो खा रहा था ट्री के ऊपर बैठ के, तो थोड़ा सा गिर गया उसी फॉक्स के अंदर, जो दो पहले फ्रेंड्स थे वो ज्यादा खीर खा गया, उसी फॉक्स के मुंह में गिरा। फिर थोड़ा और गिराया, फिर जमीन खोली, देखा ही तो तिल के लड्डू है। और वो देख रहा था कहाँ से गिरे कहाँ से गिरे, उसने ऊपर देखा तो देखा, अरे ये तो रैबिट गिरा रहा है वो वाला। फिर नन का मुझे भी थोड़े से लड्डू दे दो ना, उसने कहा तुम खुद ले लो। उसने कहा कैसे? उनको गंदा गंदा कहो लोगों से और वो ले देंगे। तो उसने गंदा कहा, तुम बहुत गंदे हो, तुम बच्चे भी गंदे, तुम बहुत गंदा काम करते हो। तो फिर ना उसने ना बहुत पिटाई करी उसकी और थोड़ा सा तिल दे दिया। फिर वो घर वाले के पास गया, सेम बोला तुम बहुत गंदे हो, तुम्हारे बच्चे भी गंदे, तुम बहुत गंदा काम करते हो। तो फिर उन्होंने कहा वो बैग ला और वो डंडा ला। उसको लगा वो ऐसे फोड़ के डंडा से गोर और उस बैग में भर के देगा, लेकिन नहीं, उसने बैग उसके ऊपर डाला और ठम 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 पिटाई करी इसकी, है ना। वो गया वही आंटी के पास, उन्होंने कहा ऐसे तुम बहुत गंदी हो, तुम बच्चे भी गंदे, तुम बहुत गंदा काम करती हो। तो उसने ना कहा उस स्टूल पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए लड्डू बनाऊंगी। उस स्टूल के नीचे गरम फ्राइंग पैन रखा था, वो जैसे ही उसका पिंड जल गया, फिर वो भागता रहा भागता रहा भागता रहा। फिर ना उसने कहा उसने दो या तीन लड्डू बना के दे दिए। उसने कहा रैबिट से तुम्हारे पास इतना सारा लड्डू, मुझे एक या दो तीन लड्डू कैसे? किसी से गंदा करेंगे तो उसे अच्छा करना लगेगा। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज, गुड नाइट।